स्वागत आप सभी का और आप देख रहे हैं आरके अलर्ट डॉट इन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो ग्राम सेवक भर्ती 2021-22 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो ग्राम सेवक भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो वीडियो ग्राम सेवक भर्ती का जो प्री एग्जाम रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाने वाला है, आंसर की को लेकर जो बड़ी अपडेट है वो क्या है, सिलेबस है वो कब तक जारी किया जाने वाला है, इसके साथ ही प्री एग्जाम में कितने गुणा स्टूडेंट है वो पास होंगे और मुख्य जो परीक्षा है वो कब तक आयोजित होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि आपका जो सिलेबस है तो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का जो सिलेबस है वो पहले वाला ही यथावत रहेगा। अब हम बात करें वीडियो का प्री परिणाम, 12 से 15 गुणा के आधार पर जो आधार पर है वो निकाला जाएगा। कार्मिक विभाग से सीईटी से बाहर करने का निर्णय होते ही जो आपकी टीआरए की विज्ञप्ति है वो जारी होगी। तो आपकी जो प्री एग्जाम में 12 से 15 गुना जो स्टूडेंट है वो पास किए जाएंगे। अब हम बात करें आंसर की तो आंसर की है वो आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगी। सिलेबस है वो आपका यथावत रहने वाला है। आपकी जो प्री एग्जाम है उसमें 12 से 15 गुना जो स्टूडेंट है वो पास किए जाएंगे। अब जो प्री एग्जाम का रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाने वाला है, तो प्री एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपको 15 फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करें कि जो मुख्य परीक्षा है वो कब तक आयोजित होगी, तो मुख्य परीक्षा है वो आपकी फरवरी में तो नहीं आयोजित होगी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस का जो पैटर्न है वो आपका 25 जनवरी तक डिसाइड होगा कि आपका जो सिलेबस है वो यथावत रहेगा। तो उसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट को जोड़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट को हटाना है, इसी प्रकार से जो कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, तो लगभग 25 जनवरी लग जाएंगे आपको सिलेबस जो आपका मुख्य परीक्षा का आयोजित होने में। अब हम बात करें जो मार्च अंतिम और अप्रैल फर्स्ट या सेकंड में आपकी जो मुख्य एग्जाम है वो आयोजित होने की संभावना बताई जा रही है। जो प्री एग्जाम है उसका रिजल्ट है वो आपको 15 फरवरी से पहले पहले देखने को मिल जाएगा। आंसर की है वो आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करें बोनस अंक की, तो बोनस अंक है वो आप 6 से 8 क्वेश्चन थे वो आपको उसमें त्रुटि हुई, तो उसी क्वेश्चनों की आपको जो बोनस अंक है वो मिलने वाले हैं। जिन क्वेश्चनों की आप जो आपत्ति लगाओगे उन्हीं क्वेश्चनों के आपको जो बोनस अंक है वो मिलने वाले हैं। इसी के साथ जो मेंस एग्जाम के लिए लगभग 80,000 से 1,00,000 के बीच में जो स्टूडेंट है वो चुने जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही जो प्री एग्जाम की कट ऑफ है वो अगर आपके 50 से 60 के बीच में जो अंक बन रहे हैं तो आप है वो सेफ जोन में हैं प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और आपकी जो मेंस एग्जाम के लिए तो आपके जो 50 से 60 अंक बन रहे हैं तो आप है वो सेफ जोन में, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कैटेगरी वाइज बात करें तो वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्री एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज। इसके साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो वो आपको हमारी वेबसाइट rkalert.in पर मिल जाएगी, और आप सरकारी नौकरी की लेटेस्ट अपडेट के लिए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती एग्जाम डेट रीड लेटेस्ट न्यूज और आज तक की सरकारी नौकरी से जुड़ी जो भी आपको लेटेस्ट जॉब चाहिए तो वो आपको हमारी वेबसाइट rkalert.in पर मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।